Hi, I would like to welcome you on this today online session. And today I'm going to talk about very important topics. That topics is, very popular nowadays. Yes, it has been very popular nowadays in a sense that almost every people are talking about the same topics. आज मैं आपके सामने जो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, आज लगभग सारे के सारे जो जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी ट्रेनर्स हैं और जितने भी हीलर्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक्स एंड दैट इज अबाउट द अफर्मेशन. यस, व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड अफर्मेशन. एंड व्हाट डज दिस अफर्मेशन मीन्स? अफर्मेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट दिस अफर्मेशन? आपको क्या चीज लगता है कि अफर्मेशन का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अफर्मेशन एंड व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ डज दिस अफर्मेशन विल वर्क? आपको क्या लगता है कि ये अफर्मेशन कैसे काम करता है और अफर्मेशन कैसे काम करता है आपके लिए? आई होप कि यू हैव ऑलरेडी ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ अफर्मेशन इन योर लाइफ. That you wanted to achieve something in your life, and I hope you had at least tried a dream in your life, and finally you tried so many different type of things, different type of techniques. And can you tell me how does this affirmation will work? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये affirmation किस तरीके से काम करता है? क्या सचमुच में अफर्मेशन काम करता है? व्हाट डू यू थिंक? डज द अफर्मेशन विल रियली वर्क? क्या अफर्मेशन सचमुच में काम करता है या नहीं करता? अगर करता है तो कैसे करता है और क्यों करता है? अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता? एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग, अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी हॉट टॉपिक्स? Hot cake, piece of cake nowadays. Almost everywhere you go, every healer will talk about this, the same thing about the affirmation. What is that affirmation? How does affirmation? Yes, affirmation will work. Yes, true. Yes. बालाजी नायडू जी, इट वर्क बेस्ड ऑन सबकॉन्शियस माइंड. ट्रू, ठीक है. ये अफर्मेशन कैसे काम करता है एंड व्हाई डज द अफर्मेशन विल वर्क एंड व्हाई डज द अफर्मेशन विल नॉट वर्क? यस, यस. नमस्ते अंजुदी. यस नुसरात उनिशा जी, नमस्ते. दीपिका जी, नमस्ते. यस रेखा जी, नमस्ते. सौरभ जी, यस. नीता, मनी जी, राधा कृष्णन जी, यस. आई लाइक टू वेलकम यू. एंड माई टूडेज क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. व्हाट डज दिस अफर्मेशन मीन्स एंड हाउ डज दिस अफर्मेशन विल वर्क? ये जो अफर्मेशन हम आजकल बात कर रहे हैं, अफर्मेशन क्या है और अफर्मेशन किस तरीके से काम करता है? राइट, ऑब्वियसली. Now, so मुझे the thing is like affirmation or you are what you think. You are what you think. आप वो हो जैसे आप सोचते हो, right? आप वही हो जैसे आप अपने लिए सोचते हो. और आप अपने लिए क्या सोचते हो? You are what you think and what you think about yourself. If you understand this very simple phrase, अगर आपको एक छोटी सी चीज समझ आ गई, आप
अफर्मेशन को अच्छी तरीके से जान पाओगे, अच्छी तरह से समझ पाओगे. बट नाउ अंडरस्टैंड हियर, बट मेनी पीपल एवरी डे दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ अफर्मेशन. क्या सारे के सारे अफर्मेशन उनके लाइफ में बदलाव लेके आता है? दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ अफर्मेशन एवरी डे, बट डज ऑल दोज अफर्मेशन विल वर्क फॉर देम और नॉट? Yes. So many times we need to increase the dose of affirmation. You eat food every day. You do exercise regularly. That is the same case with the affirmation. You need to do it on a regular basis. जिस तरीके से आप खाना हर रोज खाते हो, जिस तरीके से आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हो, इसी तरीके से आपको अफर्मेशन भी कैचेस करना है, रेगुलरली करना है. देन ओनली फाइनली यस दैट विल वर्क. सेकेंड थिंग इज मस्ट लाइक द एक्सरसाइज, दे रेज द लेवल ऑफ अ फ्री गुड हार्मोन्स इनसाइड यू. क्या अफर्मेशन विल इंक्रीज द गुड हार्मोन इनसाइड यू? क्या चीज करेगा अफर्मेशन? अफर्मेशन आपके अंदर एक गुड हार्मोन को क्रिएट करेगा, राइट? सो टुडे वी विल ट्राई सम ऑफ द सच ब्यूटीफुल अफर्मेशन. ओके, सो दैट जब तक आप जो सचमुच में अगर कोई भी अफर्मेशन को अपने लाइफ में लेके आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रियल में आप जो भी अफर्मेशन कर रहे हैं वो सचमुच में आपके लाइफ में आए, there are few techniques. Okay, there are few techniques. If you use those techniques, you'll find out that you will get more powerful affirmation, and those powerful affirmation will work more better with your life. अगर आप जो आज मैं आप लोगों के साथ जो affirmation की बात करूंगा, या फिर यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके में आप लोगों को सिखाऊंगा, अगर आप उसी तरीके से रेगुलरली उस अफर्मेशन के ऊपर काम करते हैं, देन यू विल सी द वे दैट यू आर डूइंग टिल नाउ दैट विल बी इंक्रीज बाय मेनी मेनी टाइम्स. एंड दैट अफर्मेशन कैन बी रिलेटेड विद एनीथिंग, और वो अफर्मेशन कोई भी चीज से रिलेटेड हो सकता है. दैट कैन बी रिलेटेड विद योर मनी, दैट कैन बी रिलेटेड विद योर हेल्थ, that can be related with your subconscious mind, that can be related with the abundance, that can be related with your freedom, that can be related with the energies, that can be related with the healing. Or oh, affirmation koi bhi ho sakta hai, kisi bhi cheez se relate ho sakta hai. And jaise jaise aap affirmation karoge, that affirmation will create a new wiring on your brain. What? आप जैसे जैसे इस तरीके से अफर्मेशन को करेंगे आपके ब्रेन में, दैट विल क्रिएट अ न्यू वायरिंग ऑन योर ब्रेन. आर यू क्लियर? इफ यू आर क्लियर, आई वांट टू राइट क्लियर ऑन द चैट बॉक्स. अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आपको ये चीज में अगर क्लियरिटी अगर महसूस हो रही है कि थोड़ा सा चीज मैं आपके साथ जिस टेक्निक का अफर्मेशन को 100% रिजल्ट देने के लिए, देर आर फ्यू थिंग्स, अगर आपने उसके ऊपर ध्यान दे दिया तो दैट अफर्मेशन विल वर्क मोर बेटर, मोर ब्यूटीफुल. अदरवाइज यू मे से आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी बोल के बहुत सारे लोग वहां पे अफर्मेशन करते हैं, फिर भी हेल्थ को क्रिएट नहीं कर पाते, राइट? I'm happy बोलते हैं, फिर भी हैप्पी को क्रिएट नहीं कर पाते, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग दैट फॉर्मूला. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दैट फॉर्मूला विथ यू. देर आर फ्यू थिंग्स, ओके, यहां पे कुछ चीज है जिसको आपके साथ लेके चलना है. पहली चीज, व्हाट इमेज आर यू क्रिएटिंग अपने
क्या इमेज क्रिएट किया है हेल्दी के लिए, आपकी इमेज क्या है, आपके अंदर क्या है, व्हाट डज दिस हेल्थ मीन टू यू, क्या व्हाट डज दिस हेल्थ हेल्थ मीन टू यू। What does happy mean to you? What does abundance mean to you? आपके लिए हेल्थ का मीनिंग क्या है? आपके लिए अवेयरनेस का मीनिंग क्या? आपके लिए रिलेशन का मीनिंग क्या है? आपके लिए आप खुद का मीनिंग क्या है? What does it means I to you? What does it means you to you? जब तक आप क्या चीज प्राप्त करना चाहते हो, द थिंग दैट यू वॉन्ट टू अचीव अंटिल एंड अनलेस यू आर क्लियर अबाउट इट, दिस अफर्मेशन इज नेवर गोइंग टू वर्क फॉर यू, इवन इफ यू ट्राई दैट 100 ईयर, इवन इफ यू ट्राई दैट 1000 टाइम, 1,000,000 टाइम, दिस इज नेवर गोइंग टू वर्क फॉर यू। अगर आप जब तक आप कौन सी स्टेट चाहते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, उसकी क्लियर पिक्चर ना हो, अंटिल एंड अनलेस यू गॉट द क्लियर पिक्चर ऑफ वॉट यू वॉन्ट, यस यू आर नेवर गोइंग टू अचीव इट। आर यू क्लियर? सेकेंड थिंग, सपोज इफ यू गॉट वॉट यू वॉन्ट, सपोज दिस इज आइडियल सिचुएशन, दिस इज यू नाउ, आपकी करेंट सीनरी ये है, आप दिस इज यू, दिस इज योर करेंट पिक्चर, यू आर फैट, यू आर अनहेल्दी, यू आर अनरिलैक्स, यू आर आई मीन दिस दे आर लाइक ओके, दिस इज द आइडियल पिक्चर, यस बिग आईज, ब्यूटिफुल फेस, डीप ब्रेथ, स्माइल, यस कंफर्ट, आई मीन कॉन्फिडेंट, दिस माइट बी योर आइडियल पिक्चर, ओके दिस इज योर करेंट यू, यस लेथार्जिक, नो पावर, नो एनर्जी, नो फीलिंग, आई डोंट वॉन्ट टू डू, प्लीज गॉड डू समथिंग, प्लीज गॉड सेंड मी सम वन टू शो दैट दे कैन गाइड मी, दिस इज वन, यस रियली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस पावर, यस, दिस कैन बी योर आइडियल पिक्चर फ्रॉम दिस। नाउ अंटिल एंड अनलेस दिस पिक्चर इज क्लियर, जब तक आपकी ये जो पिक्चर है जब तक क्लियर नहीं होगी, आपकी अफर्मेशन कभी भी नहीं काम करेगी। आर यू क्लियर हियर? आप क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे लोगों में हमने ये चीज देखा गया है कि अभी की करंट सीनियर ये है, दे डोंट वांट टू चेंज, मगर वो अंदर से, यहां से आनी चाहिए ना, दिल से आनी चाहिए ना, राइट? ओके दैट शुड कम फ्रॉम हियर, दे आर दिस, दे वॉन्ट दिस, बट दिस इज नॉट क्लियर, दे इवन डोंट नो देम सेल्फ वॉट इट मीन टू बी रिच, दे डोंट नो इट सेल्फ वॉट इट मीन टू बी हेल्दी, दे डोंट नो इट सेल्फ वॉट इट मीन टू बी गुड, दे डोंट नो इट सेल्फ हाउ आई मीन वॉट इट मीन टू गेट अ लॉट्स ऑफ अबंडेंस इन योर लाइफ, दे डोंट नो वॉट इट मीन्स टू हैव अ गुड रिलेशन, दे डोंट नो इट सेल्फ वॉट इट मीन टू बी योर हैप्पी लाइफ। अंटिल एंड अनलेस यू आर क्लियर इन दिस मैटर, इवन इफ यू डू मिलियंस टाइम विद दिस द सेम फीलिंग सेम इमोशंस, दैट अफर्मेशन इज नेवर गोइंग टू वर्क फॉर यू। आर यू क्लियर हियर? दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, दूसरा चीज क्या है? नाउ यू आर क्लियर कि वॉट यू यू वॉन्ट टू अचीव, राइट? यू आर वेरी क्लियर, यू वॉन्ट टू अचीव गुड हेल्थ, गुड रिलेशन, यस गुड सोशल स्टेटस, पावर, यू वॉन्ट टू गेट द पावर टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल, यस यू हैव अ लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, पीपल विल रेस्पेक्ट यू, फैमिली विल रेस्पेक्ट यू, एवरी वन, यस एवरी थिंग, यू वॉन्ट अ गुड हेल्थ, यस नाइस ड्रेस, नाइस बी कार, गुड हाउस, गुड बंगलो, यस इफ यू आर क्लियर हियर। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, now you know what this mean to you, you know you have this picture, you have this image, the second most important thing is
हाउ विल यू फील इफ यू अचीव दिस? अगर आपने सारे चीज को हासिल कर लिया तो आपको कैसा अनुभव होगा, कैसा फीलिंग होगा? दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आर यू क्लियर? आपने आपको जो चाहिए उसके क्लियर पिक्चर होनी चाहिए. व्हाट एवर यू वांट, सो दैट द क्लियर पिक्चर शुड बी देयर. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वंस दिस पिक्चर इज वेरी क्लियर, हाउ डू यू फील इफ यू ऑलरेडी अचीव दिस? हाउ डू यू फील, अगर आपको कैसा अनुभव होगा ऑलरेडी आपने इसको अचीव कर दिया. सपोज हाउ डू यू फील इफ यू ऑलरेडी हैव 1,000 crore rupees इन योर बैंक अकाउंट? कैसा अनुभव होगा अगर आपको 1,000 crore आपके बैंक अकाउंट में अभी किसी ने डाल दिया? हाउ डू यू फील, हाउ विल यू फील इफ समवन पुट फिक्स डिपॉजिट ऑफ 1,000 crore इन योर बैंक अकाउंट एंड मंथली यू आर गेटिंग 10 crore आउट ऑफ इट एज ए इंटरेस्ट, दैट इज फॉर योर एंटायर लाइफ. नाउ हर महीने आपको 10 crore आ रहे हैं, और हर महीने आपको 10 crore आ रहे हैं, एवरी मंथ यू आर गेटिंग 10 crore rupees, हाउ विल यू इन्वेस्ट दैट 10 crore rupees एवरी मंथ? बिकॉज दैट इज गोइंग टू कम एवरी मंथ फॉर यू, फॉर योर एंटायर लाइफ. सो you have to see the consequences, what will happen after you have got this result. Until and unless this is the pleasure moment for you, your mind does not want to focus on it. If many people will say, if I get a lots of amount of money, yes, if I get lots amount of money, my parents, my relation will be spoiled, people will think me negatively, my friend will go away from me, then that affirmation will not work for you. जब तक आपके दिमाग को पता ना हो कि उसकी रिजल्ट आपके लिए इवेंचुअली जाके उसके कंसिक्वेंसेस आपके लिए पॉजिटिव ना हो, उसके कंसिक्वेंसेस पॉजिटिव ना हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको एज अ पेनफुल मोमेंट देना ही नहीं चाहता. यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट. आर यू क्लियर हियर? Third thing. Now, if you guess this achievement, once if you see what you want to get, you feel how happy you will be after you getting this. Third important thing is, what do you want to hear from the people around you, whose matter to you? अगर आपने उस achievement को पार कर लिया, आप अपने लोगों से, what do you want to hear from them? Yes. What do you want to hear from them? आपके husband, आपके wife, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपके parents, आपके लिए क्या बोलेंगे? What do you want to hear from the people whose matter to you? जब तक ये तीन चीज clear ना हो, आपकी affirmation कभी भी काम नहीं करती. And affirmation should be always in present continuous tense. क्या? Fourth important thing, and I think this fourth one is the most important thing. Always the affirmation should be present continuous tense. Oh, कौन से टेंस में होनी चाहिए? Present. मैं कर रहा हूं, I am achieving, I am getting, I am having a good health. क्योंकि जब तक आप उस चीज को जिएंगे नहीं, आपके लिए affirmation काम नहीं करने वाला. Are you clear? Now, when all this pillar of your affirmation, he started to, affirmation ke jo char pillar hai. Yes, these four pillar of affirmation, agar yahan ready ho gaye. Now, there is no one in this world that can stop you for getting that result. Agar ek baar aapke life ke is charo pillar ready ho gaye, abhi aapko rokne wala koi bhi nahi hai. Yes, you are going to rule. You can achieve anything, whatever you want. Yes, and every dream will come true for your life. Yes, every dream. Okay.
So this is about the affirmation. Another thing about affirmation is that, okay, here, so this is a beautiful thing. The more you give to the universe, right, the more aap jitna jyada universe ko sandesh denge, jitna jyada vibration denge, universe will give back to you multiply times. Kya? Aap jitna universe ko denge, universe will give you multiply times. And that is the reason why affirmation should be always positive. So I will tell you one history, okay? तो मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ. There was one very rich people, rich person. His name was Sethulal, Sethulal, okay? And every person called him Sethulal Sahu. Sahu means I'm a businessman, okay? So, wherever he walked, thousands of people, pray to him. Sethulal Sahu, how are you? How good are you? May God bless you and everything. He will always reply one thing. What does he say? Okay, I will tell this thing after reaching my house. And every time, all the people are surprised. Every time, एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उनका नाम सेठुलाल साहू था. तो जब कभी भी लोग उनको जो रास्ते से जाते थे तो लोग उनको देखते थे, उनको नमस्कार करते थे. तो हर बार जैसे जैसे वो जाते थे, लोग उनको नमस्ते करते थे, प्रणाम करते थे और वो बोलते थे कि ठीक है, मैं घर जाके बता दूंगा. तो किसी ने इस बात को सुन लिया. Someone really heard this, that के I will tell this thing after reaching my house. So he asks him, what does it mean that I will tell after reaching my house? किसी ने उनसे पूछ लिया कि इसका मतलब क्या है कि मैं घर जाके बता दूंगा. So, और उसने उसको घर लेके गया. He take that person with him in the house. Now all the people were surprised कि every time when they do the namaste, when they praise this businessman, he has a luxury car, he has every type of luxurious thing, whatever he has, he was one of the most rich person of that place. वो उस जगह का सबसे धनी व्यक्ति था. Yes, सबसे धनी व्यक्ति था वो. उस गांव का सबसे धनी. He was the most rich person of that place. And every time when they ask, yes, when they praise about him, every time when they give respect to him, he will say only one thing internally, okay, I will tell this thing after reaching my house. Har baar wo yehi jawab deta tha ki main ghar jaake bata dunga. To ek baar kisi ne sun liya ki us wo kya bol raha hai. Once, okay, when people were praising him and he was telling the same thing, I will tell after reaching my house. उसने सुन लिया तो वो भी उसके साथ में गया. What did he did? Okay, he just went, he opened the temple. वो अपने घर में गया, वहाँ देखा कि एक बड़ा सा टेम्पल था, लक्ष्मी माता का टेम्पल था, सोने से बना हुआ था, उसमें सोने थे, जेवरात थे, उसमें पैसा था. There was a lot amount of gold on his temple. He just opened his temple on his house. There was a big Lakshmi Devi was there with a lots of gold, with lots of jewelries, and with lot of money, and with lots of diamonds. So there was a very, very, priceless thing. There were very expensive things were there in front of Devi Lakshmi. And he said, today, so many people praise me because of you. उसने क्या बोला, लक्ष्मी आज बहुत सारे लोगों ने आपके आपके कारण मुझे नमस्ते किया. So that person was surprised. और उसने सामने आया and he come in front. उसने बोला कि ये रहस्य क्या है. Tell, few years back, मैं कुछ साल पहले तक बहुत गरीब था. People मुझे
सेठू बोलते थे कोई मेरी इज्जत भी नहीं करते थे, कोई मेरी सम्मान भी नहीं करते थे, कोई मेरा मुख तक भी देखना नहीं चाहते थे, और मैं अगर भूखे से मर भी रहा हूँ तो भी लोगों को परवाह नहीं थी। जब से लक्ष्मी जी आई है तो लोग मुझे सम्मान करना स्टार्ट किया है, लोग मुझे जब प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। ये सारे चीज किसके कारण है? केवल लक्ष्मी जी के कारण है। तो इसलिए मैं उस चीज को लेता नहीं हूं, तो मैं घर में आता हूँ, लक्ष्मी जी को बोलता हूँ कि बिकॉज ऑफ यू, उसका नमस्कार मेरे लिए नहीं था, उसका नमस्कार किसके लिए था? लक्ष्मी जी के लिए था। तो व्हाट डिड ही से? यस, फ्यू इयर्स बैक आई वॉज अ वेरी पुअर पर्सन, एंड इवन आई डेंट हैव मनी टू गेट अ फूड, आई डेंट हैव मनी टू हैव अ नाइस क्लॉथ, आई डेंट हैव मनी टू सेंड माई चिल्ड्रेन टू द स्कूल, एंड आई वॉज इन फुल ऑफ डेथ। पीपुल डू नॉट लाइक टू मी, पीपुल डोंट लाइक मी, पीपुल हेट मी, बट व्हेन दिस मनी हैज स्टार्टेड कमिंग ऑन माई लाइफ, व्हेन द लक्ष्मी हैज कमिंग कमिंग टू आई मीन केम ऑन माई लाइफ, पीपुल स्टार्टेड टू गिव दैट रेस्पेक्ट टू मी, बट आई नो दे डोंट रेस्पेक्ट मी, दे आर रेस्पेक्टिंग दैट लक्ष्मी विच वॉज विथ मी, सो दैट्स वाई व्हेन एवर पीपुल रेस्पेक्ट मी आई टेक दैट ओके, सो दैट वॉज नॉट फॉर मी, दैट वॉज फॉर लक्ष्मी। बिफोर देर वॉज नो लक्ष्मी, देर वॉज नो रेस्पेक्ट, नाउ आई हैव लक्ष्मी, दे रेस्पेक्ट मी, दैट इज दैट मीन्स दैट रेस्पेक्ट वॉज नॉट फॉर मी, दैट रेस्पेक्ट वॉज फॉर दैट लक्ष्मी। सो ही सेड लक्ष्मी दैट ऑल द पीपुल वॉट आर द ग्रैटिट्यूड द फीलिंग दैट वॉज फॉर यू, दैट वॉज नॉट फॉर मी, दैट्स वाई एवरी व्हेन एवर समवन टेल समथिंग आई कम टू हाउस एंड टेल द लक्ष्मी, बिकॉज ऑफ यू ओनली आई एम गेटिंग ऑल दिस थिंग। यस, दैट इज द रीजन वाई इफ यू हैव लक्ष्मी इन योर लाइफ वॉट विल हैपन, इफ यू हैव लॉट अमाउंट ऑफ मनी विथ यू हाउ पीपल विल रिएक्ट टुवर्ड्स यू, इवन इफ यू आर अनएजुकेटेड बट इफ यू हैव मनी वॉट विल हैपन टू यू। आई विल टेल अनदर स्टोरी ऑल्सो। एक बार सो देर वॉज अ टाइम अ पर्सन कम टू सी अ लेडी इन ऑर्डर टू गेट मैरिड। एक आदमी था अपने शादी के लिए किसी दुल्हन को देखने के लिए गया। यस, ओ किसी दुल्हन को देखने के लिए गया। देन जो लड़की थी उसने बोली, माँ माँ लड़का तो धनी है मगर अनपढ़ा है। और माता उसकी माँ ने बोली, नहीं बेटा वो अनपढ़ा है मगर धनी है। सो देर वॉज अ टाइम राइट वंस आई मीन अ पर्सन गो टू सी अ ब्राइड, आई मीन वो अपने शादी के लिए फॉर हिज मैरिज ही जस्ट वॉन्ट टू सी अ लेडी, एंड देन दैट लेडी रिएक्ट टू हर मदर, मॉम दिस पर्सन इज रिच बट अनएजुकेटेड। व्हाट इज शी सेड? दिस पर्सन इज रिच बट अनएजुकेटेड। एंड द मदर रिप्लाई, नो बेटा नो माई डॉटर ही इज अनएजुकेटेड बट रिच। व्हाट इज शी सेड? नो बेटा ही इज अनएजुकेटेड बट रिच। आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि आपको इस स्टोरी की जो समरी पता चल गई। आई होप दैट यू विल ऑल्सो रियलाइज हाउ पावरफुल मनी इज, हाउ पावरफुल लक्ष्मी इज नाउडेज करंट सिनेरियो। इफ यू हैव मनी वॉट यू कैन डू, एंड इफ यू डोंट हैव मनी वॉट इट विल मेक सफरिंग ऑफ यू। देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक यू हु वर्क फॉर सम वन इन देयर लाइफ, एंड वंस दे बिकम सिक दे हैव टू सेल देयर हाउस फॉर हॉस्पिटल, दे हैव टू सेल देयर लैंड इन ऑर्डर टू डू अ बिग ऑपरेशन। इन इफ समथिंग हैपन इन योर लाइफ बाय द एक्सीडेंट यू हैव टू सेल ऑल योर ज्वेलर्स। सो द टाइम हैज कम राइट आई थिंक सो, मुझे पर्सनली लगता है कि वो टाइम आ गया है जहां वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट
what is the science behind attracting the money? What is the science behind attracting the Lakshmi? And one more offer for you, that is, I am again offering 21 days free money manifestation workshop, totally free of cost for 21 days, coming this July 30. Yes, coming this July 30. July 30 से 21 days के नए free money manifestation workshop start हो रहा है. There you are going to learn something very different thing, very wonderful thing that you are going to learn. How you can create the money, how you can attract the money, how you can attract that abundance in your life. So I'm going to share that link to you on comment here below. जब मैं ये जो वीडियो फिनिश होगा तो मैं यहाँ पे नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा. यू कैन शेयर दैट लिंक विथ एनी पीपल, एनी फ्रेंड्स. गिव दैट टू ऑल द पीपल दैट यू वांट देम टू गेट समथिंग इन देयर लाइफ. इफ यू फील ओके दैट दैट समवन नीड दिस, इफ यू फील दैट समवन रियली नीड फॉर मनी और दे आर हैविंग अ बैड लक विद द मनी, आई वांट देम टू डू दिस वर्कशॉप. And you don't have to pay anything. This is totally free of cost. इसमें पैसे की जरूरत नहीं है, बस केवल आपको आना है, ज्वाइन होना है. But the rules and regulation of this group is very strict. पहली चीज, that the rules and regulation of this group should be that, okay, if you did not submit the homework within 5 days, we are going to, put you away from the group. पहली चीज ये है. Yes. You have to submit the homework within 5 days. Are you clear? So I hope you have a very, very wonderful day. I hope you have a very, very wonderful night. And I hope you will join this money workshop. You will share the link to so many people so that they can change their life. The more you give to the universe, that is giving back to something you. अगर आपने किसी को दे दिया और उसकी लाइफ में परिवर्तन आ गए, तो जब उसकी सोल आपके लिए वो जो ग्रैटिट्यूड देगा, दैट कैन नॉट बी बाय इन एनी मनी, दैट यू कैन नेवर नेवर बाय विद एनीथिंग. और मुझे लगता है कि दैट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू दिस थिंग. आई होप यू वंडरफुल डे. नमस्ते.